समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मोह इतना न करे कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा इतनी न करें कि अच्छाइयां नजर ही ना आए। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। चाहते हो कि जीवन में प्रसन्न रहो तो मन को खाली कर दो। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी की तरह न राग न द्वेष, यही कारण है कि बांसुरी से मधुर संगीत निकलता है। खाली कर दो इस मन को, मुक्त कर दो राग द्वेष ईर्ष्या बैर घृणा सब से, मुक्त कर दो मन को, फिर देखना आपका जीवन भी बांसुरी की ही भांति हो जाएगा। फिर आपके जीवन से सदैव मधुर संगीत बजेगा। जीवन के 5 सच्चे मंत्र: दर्पण झूठ बोले नहीं देगा, ज्ञान भयभीत होने नहीं देगा, सत्य कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। कुम्हार जब खड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर से प्यार से सहलाता है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए। वो आपको कभी टूटने नहीं देगा। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होने पर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, त्याग, समर्पण और धीरज। मन में दृढ़ विश्वास रखकर कभी कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कभी कोई जीत नहीं सकता। जब व्यक्ति हार मानने लगता है तो आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार फिर प्रयास कर। प्रयास, इस शब्द को कभी ना भूलना। एक नन्हा सा बालक जो ना कुछ बोल पाता है ना कुछ सोच पाता है, किंतु घुटनों के बल पर समस्त आंगन को नापने का प्रयास करता है। वो खड़ा होता है, गिरता है और फिर से खड़ा होता है और अंत में वो चलना सीख ही लेता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। मन से कभी न हारो, प्रयास करते रहो। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। कर्मों से डरे, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है परंतु कर्म नहीं। क्रोध हमेशा मूर्खता से आरंभ होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। यदि हमारे विचार काले हैं तो नियति भी हमारे जीवन में एक दिन अंधेरा ही लाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हर वो चीज जो जीवन में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो, हर वो चीज जो आवश्यकता से अधिक हो वो जहर है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो वो विष है, और ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हो तो वो ज्ञान अमृत है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।